अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की राजधानी में जागृत हिंदू मंच की ओर से दीपोत्सव और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जहां से लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। राजधानी में होगा दीपोत्सव और हनुमान चालीसा पाठ। समारोह को लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू। मंच के संरक्षक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने नयन कमल अर्पित किए थे। इसी दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। अब जब हिंदू समाज की 500 साल के संघर्ष एवं बलिदान के बाद राम जन्मभूमि मुक्त हुई, तो अब उस पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। देखिए, प्रभु श्री राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, हमारी रोम रोम में है, हमारी रग रग में है। और 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद, हजारों हिंदुओं के बलिदान के बाद आज भव्य दिव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हम भोपाल में हिंदू जागृत मंच के द्वारा 26 नवंबर को शाम 6:30 बजे दीपदान और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का इजहार करते हुए मंदिर में दीपक लगाने का काम करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं सभी राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि आए विक्रम चतुर्दशी के दिन 26 तारीख को शीतलदास की बगिया में 6:30 बजे हम राम मंदिर के निमित्त प्राण प्रतिष्ठा के, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त एक दीपक अवश्य लगाएं। 22 जनवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस खुशी के मौके पर भोपाल शहर के तमाम सनातनी हिंदू 26 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए शीतलदास की बगिया में लाखों दीपदान कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।